हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गर्मा गर्म बहुत ही टेस्टी से बहुत ही यम्मी से मूली के पराठे। तो आज मैंने बनाए मूली के पराठे जो खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, छोटे बड़े सबको बहुत ही पसंद आते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं मूली के पराठे। मूली के पराठे बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले मैंने आटा ले लिया है और ये 2 कटोरी के लगभग मैंने आटा लिया है। तो थोड़ा सा आटा हम साइड में कर देते हैं और अब इसमें डालते हैं हम जो जो चीज़ें हमें चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं डालूंगी इसमें मूली। ये देखिए, ये मैंने 2 मूली कद्दूकस करके रख ली थी, मैंने इनका पानी नहीं निकाला है, ऐसे ही लेना है इनको। तो ये सारी जो मूली हैं कद्दूकस की हुई, ये हमें आटे में डाल देनी है। इसके साथ ही हम डालेंगे धनिया। तो ये धनिया भी मैंने काट लिया था, ये मैंने थोड़ी सी अजवाइन ली है। इसको दोनों हाथों से हमें क्रश करके डाल देना है। इसके साथ इसमें हम डालेंगे नमक। तो 1 चम्मच मैंने नमक डाला है। अब डालते हैं मसाले। तो मसालों में मैंने डाला है 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच मैंने डाला है आमचूर पाउडर। और सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी इसमें पानी नहीं डालना है क्योंकि जो ये मूली होती है इसमें ऑलरेडी पानी होता है जो ये पानी रिलीज करती है, तो इसलिए हमें आटे में इसके मूली को अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें पानी डालेंगे। ये सारे मसालों को और मूली को आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना आटे का हम एक डो बनाएंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालना, हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो बनाना है। और जो डो हम बनाएंगे वो भी थोड़ा सा हमें टाइट ही बनाना है क्योंकि मूली होती हैं और ये अपना पानी रिलीज करती है। तो अगर थोड़ी देर हम आटे को रखेंगे तो जैसे आटा हमारा बहुत ही नरम हो जाएगा। तो जब भी आप मूली के पराठे बनाएँ तो उसमें क्या है कि जब आप को ये लगे कि अब हमें पराठे खाने हैं उसी टाइम आप मूली आटे में मिक्स करें, पहले से करके ना रखें। से क्या होता है कि हमारे पराठे फिर अच्छे नहीं बनते हैं। ये आटा हमारा देखिए अच्छे से लग चुका है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, हम अब बनाते हैं पराठे। अब हमें एक लोई तोड़ लेनी है। कैसा पराठा बना, मोटा पराठा बनाएंगे या पतला पराठा बनाएंगे अपने हिसाब से आप लोई ले लेना। और पराठे को आप कौन सी शेप देना चाहते हैं वही शेप आप दे सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं गोल पराठे ही बना रही हूँ। तो ये मैंने लोई तोड़ ली है और लोई बना ली है और हल्के हाथों से हमें इसको बेल लेना है। सूखा आटा लगाते हुए बेलना है हमें क्योंकि ये जो बेलन होता है या पराठा जो होती है उसके चिपक जाता है। तो ये तो मैं बना रही हूँ गोल पराठा। तो ये हमारा गोल पराठा बनकर बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम तवे पे सेकते हैं। दूसरा हम बनाएंगे ट्रायंगल पराठा। तो ये मैंने एक रोटी बेल ली है और इस पर अब हम लगाएंगे घी। तो ये मैंने घी लगा दिया रोटी के ऊपर और इसको हम देंगे ट्रायंगल शेप। तो जो भी आप शेप देना चाहते हैं पराठे की वो शेप आप दे सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है। पराठे बहुत टेस्टी बनते हैं मूली के और बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो इस तरीके से हमें ये ट्रायंगल पराठा भी बेल लेना है। अब हम चलते सेक। ये मैंने पराठे को तवे पे डाल दिया है, तवा हमारा गर्म हो गया था, अब इसको हम सेक लेते हैं। ये हमारा एक साइड से पराठा देखिए सिक गया है। तो अब हम इस पे लगाएंगे घी। ये पराठे आप तेल में भी बना सकते हैं, जिसमें आपको अच्छे लगते हैं उसी में, घी में, तेल में, किसी में भी आप बना सकते हैं। अब दूसरी साइड से पलट के हम घी लगा लेंगे। और इसको अल्ट पलट करते हुए हमें अच्छे से सेकना है इस तरीके से। ये पराठा हमारा अच्छे से पक गया है देखिए। तो अब हम डालते हैं दूसरा पराठा जो गोल पराठा हमने बनाया था। ये पराठा भी हमारा एक साइड से सिक गया है तो इस पर भी अब हम घी लगाएंगे। ये मैंने घी लगा दिया एक साइड से, अब हम दूसरी साइड से घी लगाएंगे। और गैस को हमें रखना है मीडियम फ्लेम पे क्योंकि ज़्यादा अगर हम खुद रखते हैं तो उससे क्या होता पराठे जल जाते हैं। तो इसलिए मीडियम फ्लेम पे रखते हुए हमें पराठों को सेक लेना है।
बिल्कुल रेडी हो गए हैं, तो चलिए अब हम गर्मा गर्म इनको सर्व करते हैं। ये मूली के पराठे जो होते हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी होते हैं और खाने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने सर्व किए हैं, थोड़ा सा मैंने इनके ऊपर रख दिया है मक्खन। इसके साथ ये मैंने बनाई है हरी धनिए की चटनी और ये है गर्मा गर्म दूध। तो आप भी मेरे तरीके से मूली के पराठे बनाइए, बहुत ही टेस्टी, बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगे। और अगर आपको भी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।